देखो बच्चों, हम लोग जीपी के कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लो एक जीपी है, जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म बी है ना, और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है ना। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा जीपी को ये मान लेंगे, है ना। मैंने जीपी को मान लिया ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। देखो मैंने ये ऐसा जीपी को मान लिया, ठीक है। देखो अच्छा, फर्स्ट टर्म दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म चलो स्मॉल a मानो, ये स्मॉल a इंटू आर स्क्वायर a इंटू आर क्यूब, ऐसा देखो मैंने यहाँ पर जीपी को मान लिया, ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखो होगा क्या, यहाँ पर ये मैंने जीपी को मान लिया। अब देखो tn क्या हो गया, tn हो गया a r की पावर n माइनस वन, ये b दिया गया है ना। tn की वैल्यू देखो b के बराबर गिवन है ना। अब देखो p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब देखो a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू अप टू ए आर की पावर n माइनस वन, है ना। देखो क्या होगा, जैसे ये a a a a n बार आ रहा है, तो a की पावर n हो गया, r की सारी पावर्स ऐड होंगी 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n माइनस वन, ठीक है। अब देखो ये हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n माइनस वन, है ना, ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू n बाई टू, है ना। समेशन क्या होता है, देखो ऐसे होता है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक, है ना। ये देखो अपने आप में एक ap है, है ना, ये एक ap है। इसके n टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, n बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 1, तो हो गया n बाई 2 n प्लस 1। अच्छा होगा इस रिजल्ट को याद रखो, 1 2 3 से लेकर n तक का समेशन देखो ये होता है। तो अगर हम n माइनस 1 तक का समेशन निकालें तो n की जगह n माइनस 1 आ जाएगा, है ना। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा a रेस टू दी पावर n, और r रेस टू दी पावर क्या हो जाएगा बोलो, n माइनस 1 इंटू n बाई 2, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब यहां पर देखो हमें क्या करना है कि ये प्रूफ करना है ना, ये रिजल्ट देखो हमें लाना है। देखो अगर हम इसके अकॉर्डिंग p का स्क्वायर करें, देखो ये p है ना, इसका स्क्वायर कर दो, अगर हम p का स्क्वायर करें देखो ये हो जाएगा a की पावर 2n, इसका स्क्वायर करेंगे ना, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो r की पावर बचेगा n इंटू n माइनस 1, है ना। जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ऐसा देखो यहां पर ये आएगा, ध्यान दो, ठीक है। देखो ये हो गया a की पावर n अलग, और a की पावर n r की पावर n इंटू n माइनस 1 अलग। देखो इसको लिख सकते हैं a की पावर n a इंटू r की पावर n माइनस 1 होल की पावर n। तो देखो होल की पावर n जो है ये हमारा b आ गया, b, तो ये आ गया a की पावर n b की पावर n, मतलब देखो आ गया क्या यहाँ पर a b होल रेस टू दी पावर n। यही देखो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले,